तो आज हम आए हैं यहाँ पे जी। यहाँ पे ना बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं, पंडित मेवाराम देवी पराठा। तो इस तरीके से प्योर भैया घी में बनते हैं ना पराठे, ये प्योर घी में ही पराठे बनते हैं। और कौन सी वैरायटी रहती है? अच्छा, तो हर प्रकार के यहाँ पर पराठे मिल जाते हैं, बहुत ही टेस्टी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं कि जो पराठे वाले भैया हैं, क्योंकि देखिए पहले नीचे पराठे मिलते थे लेकिन अब ना इन्हें स्टार्टअप ऊपर का कर दिए थे। तो ये एक तरीके का इनका बढ़िया तरीके से बना रखा है इन लोगों ने, और आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं और यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पराठे वाले बहुत ही फेमस है। तो अब ना हम लोग फटाफट से ऑर्डर देंगे, फिर आपको बताएँगे कि यहाँ के पराठे कैसे हैं। ये देखिए हमारी प्लेट लग के आ गई, पराठा भी आया नहीं है। तो ये देखिए सब्जी है, आलू वाली सैलेड है, शायद मीठी चटनी है, रायता है, और ये है शायद कद्दू की सब्जी। तरीके से प्लेटिंग यहाँ बहुत चेंज हो गई है। मैं आज से कम 3 से 4 साल पहले आई थी, तो पूरी प्लेटिंग बहुत चेंजिंग हो गई है और पहले इस तरीके से नहीं मिलती थी। चलिए अब टेस्टिंग देखेंगे कैसी है। ओए होए, तो ये आ गया हमारा पराठा। तो सबसे पहले मैं ये आलू का पराठा लेती हूँ, काफ़ी घी में लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मीठी चटनी के साथ इसको ट्राई करूँगी। एंड सॉस की चटनी है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। आलू की सब्जी के साथ कैसा लगता है ये दिखाती हूँ आपको। आलू वाली सब्जी बहुत मस्त है, मेरे को भंडारे वाली लग रही सब्जी, बहुत टेस्ट लग रही है। कद्दू वाली सब्जी के साथ इसको ट्राई करती हूँ, इसको मैं कद्दू की सब्जी समझ रही थी, ये है नेक्स्ट स्टेज। बिल्कुल शादी वाली फीलिंग आ रही है, बहुत मस्त है। स्पाइसी है, पुदीना का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है, बहुत मस्त मस्त है। यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, मेरे को भी एक आलू का दे दूँ। तो ये प्लेट है बाहर कितना हो गया? ये आपको पड़ती है 200 रुपये की, आप पहले ही पड़ती थी इनको 110 या 120 की। मैंने 130 तक खाया है, सुना था, लेकिन अब 200 रुपये पहले हैवी लग रहा है मुझे इस प्लेट के अकॉर्डिंग। आप आने के बाद तो वो लोग शायद खाना ना खाए क्योंकि सब्जियाँ काफ़ी स्पाइसी वाली हैं। और लेकिन अगर आप लोग भंडारे के खाने के बहुत बड़े फैन हैं तो कुछ कुछ टेस्ट वैसे ही लगेगा उन सब्जियों का। आपको भंडारे वाला आलू की सब्जी है, मिक्स वेज है, मीठी चटनी की बहुत ही टेस्टी है, सारी सब्जियाँ बहुत टेस्टी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो हमारे चिल्ड्रेन आते हैं उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बाकी की कुछ डिसएडवांटेज है इसके, जैसे कि वॉशरूम यहाँ नहीं है जो कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। आपके बच्चे को कभी भी वॉशरूम प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, जो कि मेरे बच्चे के साथ हुई, और वो फैसिलिटी नहीं है। मतलब कि जितनी भी इसकी तारीफ है वो बहुत कम हो जाती है, छोटे बच्चों को कभी भी हेल्प में बहुत ही आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा डिस्काउंट है। बाकी का एवरेज है और थोड़ा सा मुझे महंगा लगा। तो अगर आप लोग रेस्टोरेंट में आना चाहते हैं तो मेंशन में लिख दूँगी इसका एड्रेस, मेंशन कर दूँगी एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएंगे, तो विजिट करिएगा। और इस तरह की वीडियो देखते हुए प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।